हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। आज हम देखेंगे मार्केट स्टाइल आम का अचार कैसे बनता है। अचार तो हर किसी के घर में बनता है, हर किसी की टेक्निक अलग है, तो हम आज इसे मेरे तरीके से देखेंगे। हम 1 किलो के मेजरमेंट के साथ इसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ml ऑयल, या नॉर्मल हमारी जो कटोरी होती है 1 कटोरी ऑयल। इसे अच्छे से गर्म करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें जाएगी 5 से 6 लौंग और 5 से 6 ब्लैक पेपर। ये जब फूल जाएंगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और पूरा ऑयल ठंडा हमें करके रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिए है 1 किलो आम लिए थे, उन्हें अच्छे से धोकर कपड़े से सुखाकर उन्हें काट करके मैंने लिया है। मैंने यहाँ पर राजापुरी आम का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये जो आम के टुकड़े है उसे भी मैंने कॉटन के कपड़े से क्लीन करके ले लिया है। जितना हो सके उतना आम हमें जिसका छिलका ज़्यादा जाड़ा हो उस तरह का अचार में यूज करना है। अब इसमें जाएगा 125 ग्राम नमक। मैंने यहाँ पर रॉक सॉल्ट यूज किया इसलिए थोड़ा ज्यादा यूज किया है। आप 100 ग्राम तक नॉर्मल नमक डाल सकते हो। 1 किलो के लिए यहाँ पर 125 ग्राम का जो अचार के मसाले का पैकेट आता है वो पूरा डालना है। इस तरह से आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। ये मैंने पूरा यहाँ पर डाला है, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। अब इसकी ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 100 ग्राम या आधे कप के करीब मैंने मस्टर्ड सीड की दाल ले ली है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। 1/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करके हमें लेना है। आम मैंगो का अचार बनाने के लिए मोस्टली थोड़े से खट्टे होने चाहिए, तभी अचार का टेस्ट अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अगर आप चाहो बिना ऑयल का खाना है तो इसी तरह से इसे कंटेनर में भरकर रख सकते हो, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। लेकिन अगर मार्केट स्टाइल बनाना है तो जो हमने ठंडा करके रखा था वो ऑयल इसमें डालना है। इस तरह से ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके हम ले लेंगे। एकदम परफेक्ट अचार बनता है, कुछ भी टेस्ट इधर उधर नहीं होता है। हमारा खट्टा मीठा तीखा अचार बनके रेडी है। अब हम इसे एक ग्लास के कंटेनर में भरेंगे। कंटेनर साफ सुथरा और ड्राई होना चाहिए। आप इसे 5 से 6 दिन तक कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा चम्मच से मिक्स करें ताकि ये अच्छे से गल जाए। आपका एकदम परफेक्ट अचार रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। होम फूड गैलरी।